हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज कुछ और प्रश्नों के विषय में अपने बात करने जा रहे हैं जो हमारी रीट के सिलेबस में चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी जो सिलेबस में दिया गया है उससे संबंधित है। उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में अपने जो आज की टेस्ट सीरीज है उसमें बात करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कह देना चाहूँगा कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो एक कॉपी पेन साथ लेकर के बैठें, और दूसरी बात कि जो भी आपको ऑप्शन आता है, आंसर चाहे आपको गलत आता है सही आता है, आप उसको कमेंट जरूर करें या कम से कम अपना चेक जरूर करें कि आपको इस टेस्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ताकि हमें हमारी प्रगति का पता चलता रहे कि हमने कितनी तैयारी कर ली है दोस्तों। क्योंकि 25 अप्रैल को आपका पेपर हो जाने वाला था और आप देख सकते हैं कि अभी तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए था दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं किया है तो पूरा सिलेबस हमारे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो सिलेबस पूरा होने के बाद में हमारी टेस्ट देखिए सीरीज होती है जिसकी अपने बात कर रहे हैं। इससे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी अपनी हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, यानी बौद्धिक विकास के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। किसके अनुसार दोस्तों हम बात कर रहे हैं? पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार कौन सा नहीं है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास में, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। कौन सा नहीं होता है दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? बताइएगा फटाफट से कौन सा हमारा आंसर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर एक, यानी सामाजिक संचरण जो है वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं माना जाता है। अपने उसको मान करके नहीं चलते हैं, बाकी सारे के सारे आते हैं दोस्तों। तो बौद्धिक विकास के पियाजे ने जो निर्धारक तत्व बताए हैं तो देख लेना कौन कौन से बताए हैं। एक तो हमारा आता है संवेदना, संवेदना जो आती है प्रत्यक्षीकरण में, प्रत्यक्षीकरण यानी कि अनुभव, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। दूसरा हमारा आता है अवलोकन, अवलोकन कहें तो ये आता है ध्यान से। तीसरा हमारा आता है स्मृति, और स्मृति क्या करती है दोस्तों? कल्पना। चौथा अपने ले सकते हैं चिंतन, चिंतन चिंतन यानी संतुलनीकरण, संतुलनी। जो अभी अपने यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, और चिंतन से क्या विकसित होता है? तर्क। और इसी प्रकार से एक और देख सकते हैं अपने, निर्णय, निर्णय कौन लेता है? बुद्धि। और एक और देखें अपने, भाषा जो है अधिगम से संबंधित है, ये है। तो इनमें से हम ये देखते हैं सामाजिक संचरण नहीं होता है, ये निर्धारक तत्व नहीं है, बाकी सारे के सारे निर्धारक तत्व माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? बुद्धि के स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं दोस्तों, किसमें पाए जाते हैं? यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, तो फिर ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो किस प्रकार से पाई जाती है, कौन से लेवल में पाई जाती है दोस्तों? चेक करिएगा, सही आंसर बुद्धि स्तर में है, अभिवृत्ति में है, गतिवाही योग्यता में है या सभी में है। तो सही आंसर हमारा नंबर चार होगा दोस्तों, इसका नंबर चार, यानी ये सारे के सारे क्या है? सही है। व्यक्तिगत भेद जो है वो सभी में पाए जाते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? इसके अलावा देखिएगा, शारीरिक विभिन्नता हो सकती है, एक मानसिक विभिन्नता हो सकती है, संवेगात्मक रूप से दो व्यक्तियों में भिन्नता हो सकती है, रुचियों में हो सकती है दोस्तों, विचारों में हो सकती है, सीखने में हो सकती है, गत्यात्मक योग्यता में हो सकती है, इसी के साथ चारित्रिक हो सकती है। बहुत सारे इस प्रकार के भेद यहाँ पर किए जा सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों? आपको बताना है
कि वो कौन सी आयु है जिसमें बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, शैशवावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, या फिर दोस्तों जो है प्रौढ़ावस्था है। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, फटाफट से बताइएगा क्या होगा। यानी ऐसी अवस्था जिसमें बालकों में नई खोज करने के लिए और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों कौन से काल में ऐसा होता है आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर है हमारा नंबर दो, उत्तर बाल्यावस्था। तो दोस्तों ये जो हमारी बाल्यावस्था है, ये जो बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष तक अपने मान के चलते हैं, इसको अपने 3 भागों में बांटते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, एक आती है हमारी मध्य बाल्यावस्था और एक आती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व है 6 से 8 में ले लेंगे इसको, इसको 8 से 10 में ले लेंगे और इसको 10 से 12 वर्ष में ले लेते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था के अंदर इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बालक के अंदर पाई जाती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चौथा हमारा प्रश्न है, प्रारंभ में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके, पूरी हथेली का उपयोग करके किसी वस्तु को पकड़ने लगता है, फिर उसके बाद में देखिएगा क्या कहा जा रहा है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। आपको बताना है ये जो प्रगति है वो किस प्रकार की प्रगति है, कौन सी श्रेणी में आप इसको रखना चाहोगे दोस्तों, ये किस में आएगी। सिफेलोकोडाल में है, प्रोक्सी मोडिस्कल में है, मोडिस्टल में है, व्यापक से विशिष्ट में है, या फिर अनियमित प्रगति में आता है, कौन से में आएगा दोस्तों, क्या होगा हमारा सही आंसर बताना है आपको। एक बच्चा है वो अपनी पूरी हथेली का, जैसे किसी चीज को पकड़ने के लिए पहले पहले छोटा बच्चा है ना शैशवावस्था में, पूरी हथेली का उपयोग करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उंगलियों और अंगूठों का प्रयोग किसी वस्तु को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार की प्रगति कौन सी में आती है दोस्तों। दोस्तों पीछे भी हम एक बार इस क्वेश्चन के विषय में डिस्कस कर चुके हैं ये जो नाम है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर दो, प्रोक्सी मोडिस्टल प्रगति कहते हैं अपने इसको। इसके अंतर्गत अंगों की जो सामान्य गतियां हैं उसमें सूक्ष्म गतियों की ओर से उसका विकास जो है शामिल किया जाता है, या फिर हम कहें विशिष्ट से सामान्य की ओर जो बात कर रहे हैं उसी के लिए हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश में नाम आते हैं दोस्तों, साइकोलॉजी में कुछ नाम जो भी आप देखें, सिद्धांत आप देखें, कम से कम उनके इंग्लिश नाम जरूर देखें। निम्न में से स्वलीनता के लक्षण हैं, स्वलीनता के लक्षण कौन से हैं, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर, निम्न में से स्वलीनता के लक्षण कौन से हैं, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर, हमारा सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा सही है। तो चलिएगा चेक करते हैं, सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर चार, यानी ये चौथा सही है। तो स्वलीनता का अर्थ पहले यहां देख ले, स्वलीनता का अर्थ अपने लेंगे अपने में ही खोए रहना, ये होता है इसका अर्थ, खोए रहना, या हम इसको कहते हैं मस्त रहना, कहते हैं ना कुछ बच्चे ये तो अपने आप में ही मस्त रहता है। तो जुंग जो है वो इस प्रकार के व्यक्तियों को, इस प्रकार के लोगों को किस में बांटता है, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला मानता है, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्वयं में रुचि रखने वाले होते हैं, संकोची होते हैं, कमजोर संप्रेषण होता है उनका, और साथ ही साथ रूढ़िबद्ध व्यवहार करने वाले होते हैं, और कमजोर इनका सामाजिक व्यवहार होता है। ये सारी बातें हमारी सही है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग क्या है। दोस्तों तनाव व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है, आएगा, व्यक्ति जब तक जिंदा है तनाव के बिना अपने नहीं रह सकते, हम हमेशा किसी न किसी समस्या से उलझे हुए रहते ही हैं। क्या होगा सही आंसर हमारा, अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है, समस्या समाधान विधि है, रक्षात्मक यांत्रिकता है, व्यक्तिगत विधि है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है वो है नंबर दो, रक्षात्मक यांत्रिकता जो है वो इसमें आती है दोस्तों, ये वाली आएगी। चलिएगा थोड़ा सा समझ लेते हैं, इन शॉर्ट अपने देख लेते हैं। तो तनाव जो है वो व्यक्ति की कैसी दशा है, शारीरिक भी है और मानसिक भी है, दोनों ही रूप में आती है, शारीरिक और मानसिक देखिए दशा है,
और अगर अपने बात करें गेट्स की, जो परिभाषा सबसे ज्यादा आती है कि तनाव असंतुलन की दशा है, गेट्स क्या कहते हैं, असंतुलन की एक दशा है जो किसी भी प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा को समाप्त करने के लिए प्रेरित करती है दोस्तों। तो यहाँ इस तनाव को दूर करने की दो विधियां अपने लेते हैं, एक तो आती है हमारे पास में प्रत्यक्ष विधि और एक आती है अप्रत्यक्ष विधि। तो देखते हैं प्रत्यक्ष में कौन सी आती है दोस्तों। अगर कोई तनाव है तो मतलब कोई ना कोई बाधा है, उस बाधा का अपने क्या कर दें दोस्तों, निवारण कर दें, कोई अन्य उपाय देख लें, कोई और उपाय है तो, है ना, अपना जो लक्ष्य है वही प्रतिस्थापित कर दें, कोई अन्य लक्ष्य ढूंढ लें, या फिर अपने उसकी व्याख्या करते हैं फिर उसका निर्णय लेते हैं, व्याख्या निर्णय भी आते हैं। अप्रत्यक्ष में तो बहुत सारी आती हैं, ये देखिए इसको आप मनोरचना भी कह सकते हैं, जहाँ पर आप मन को समझा लेते हैं ना, क्योंकि समस्या मन की है, पृथक्करण हो गया, प्रत्यावर्तन हो गया, इस प्रकार से बहुत सारी हैं दोस्तों, दिवा स्वप्न हो गया, बाकी इधर खाली जगह है तो यहाँ देख लेते हैं अपने, आत्मीकरण है, औचित्य स्थापन है, दमन है, शमन है, प्रक्षेपण है, क्षतिपूर्ति है, तो इस प्रकार से बहुत सारी हैं दोस्तों जिनको अपने देख सकते हैं, ये सारी अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होगा, डायरेक्ट अपने समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, हमारे मन से उसका लेना देना नहीं होता, लेकिन यहाँ मनोरचना यानी हमने समस्या को दूर नहीं किया, हमने बल्कि अपने मन को ही समझा लिया दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या फिर समस्या, किस चीज़ की आवश्यकता होती है दोस्तों। चिंतन प्रारंभ कब होगा, पूर्वानुभव से, भाषा, तर्क या समस्या, क्या हो आपके सामने कि आपके अंदर चिंतन जो है वो प्रारंभ हो जाए, ये आपको बताना है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर आपको देना है, फिर दोहरा रहा हूँ, कमेंट जरूर करके देखें, कम से कम अपना आकलन जरूर करें कि आपको क्या आता है, चाहे गलत करेंगे उस प्रश्न को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 4 यानी कि समस्या। अब देखिएगा दोस्तों चिंतन है क्या, चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की बौद्धिक प्रक्रिया है। तो चिंतन क्या है दोस्तों, किसी भी समस्या का बौद्धिक हल खोजने की एक प्रोसेस है, यानी चिंतन किससे शुरू होता है दोस्तों, समस्या से ही शुरू होता है। और ये परिभाषा किसकी है दोस्तों, ये वुडवर्थ की परिभाषा मानी जाती है, यानी जब समस्या आएगी तो उसके समाधान के लिए चिंतन किया जाता है, चिंता और चिंतन में यही फर्क होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख कर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, इसको अपने क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहेंगे हम इसको, जिसमें जो व्यक्ति है वो दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है, सामाजिक अधिगम कहेंगे या फिर अनुबंधन कहेंगे, प्रायोगिक अधिगम कहेंगे या फिर आकस्मिक अधिगम कहेंगे दोस्तों, क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, उसे हम कहते हैं सामाजिक अधिगम, यानी सामाजिक अधिगम में व्यक्ति जो है वो दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखता है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यही कि इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका प्रतिपादन बांडूरा के द्वारा किया गया था, ये याद रखना है आपको। और इसको अपने और क्या कहते हैं, तो अपने इसको पर्यवेक्षित अधिगम भी कहते हैं, और क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम पर्यवेक्षित अधिगम कहते हैं। इसके अलावा एक और इसका नाम आता है मॉडल द्वारा व्यवहार में सुधार लाने का सिद्धांत, ये भी कहते हैं, ये भी इसका नाम आता है, यानी बच्चे के सामने कोई मॉडल प्रस्तुत किया जाता है उसके अनुसार ही वो व्यवहार को करता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, MCF 2005 जो है वो किस पर बल देता है दोस्तों, किस पर देता है, इन चारों में से करके, सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या फिर सभी पर बल देता है दोस्तों, वो किस पर बल देता है ये आपको बताना है, क्या होगा हमारा सही आंसर। करके सीखना है, रटना है, समस्या हल करने पर है, उपरोक्त तो सभी है, क्या होगा दोस्तों सही, फटाफट से बताइएगा क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है
नंबर एक, यानी वो किस पे बल देता है दोस्तों, करके सीखना पर बल देता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाने के लिए प्रोफेसर यशपाल का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और एक और राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया था, तो इसलिए ये जरूरी है। एक इसमें जो कहा गया था वो था शिक्षा बिना बोझ के, यानी शिक्षा बिना बोझ के आपको देनी है, इसलिए बाल शिक्षा को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसमें 5 निर्देशक बनाए गए हैं, ये याद रखिएगा, 5 निर्देशांक बिंदु हैं जिन पे अपने को काम करना है। एक तो कि ज्ञान जो है, नंबर एक तो क्या होगा, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा अपने ये लेते हैं जो रटना है उससे मुक्ति पाना। एक आता है परीक्षा, परीक्षा से बच्चे को डर लगता था तो उसको लचीला बनाना है। एक चौथा अपने लेते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था, ये लेकर के आना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था ये लेकर के आना। और एक अपने कह सकते हैं पाठ्यचर्या में परिवर्तन था, यानी ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना जिससे बच्चों का चहुंमुखी विकास हो सके और जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं हो, इस पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अधिगम के प्रतिफल हैं, अधिगम के प्रतिफल क्या हैं दोस्तों, नियमों पर हैं, प्रक्रिया पर हैं, दोनों पर आधारित हैं, किसी पर भी नहीं, किस पर आधारित है दोस्तों, अधिगम के प्रतिफल किस पर आधारित है दोस्तों, क्या होगा हमारा सही आंसर, फटाफट से बताइएगा, नियमों पर, प्रक्रिया पर, दोनों पर, किस पर आधारित है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 है, यानी प्रक्रिया पर आधारित है, अधिगम के प्रतिफल प्रक्रिया पर आधारित है। ये वास्तव में क्या है, अधिगम के प्रतिफल एक प्रकार से एक मूल्यांकन बिंदु है दोस्तों, ये क्या है, मूल्यांकन बिंदु है जिससे जिन्हें गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है। ये क्या है दोस्तों, कुछ मूल्यांकन बिंदु हैं जिन्हें अपने गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटों का निर्धारण किया गया है। बहुत अच्छा और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कितने जो हैं घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, ये आपसे बताना है। 2009 में जो आरटीई एक्ट बना था, अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जो 1 अप्रैल 2010 से सब जगह लागू हो गया था। लागू कब से हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी सारे भारत में लागू हो गया था। तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अभिभावक और शिक्षकों के दायित्व जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं, सबके, केंद्र सरकार के भी, राज्य सरकार के भी, अभिभावक के, शिक्षकों के, सबके क्या दायित्व होने चाहिए वो निर्धारित किए गए हैं, और इसी में बताया गया है कितने घंटे। तो सही आंसर देखिएगा, चेक कर लेते हैं, सही आंसर होगा हमारा नंबर 3, यानी कितने घंटे, 45 घंटों का निर्धारण किया गया है, इतने घंटे प्रति सप्ताह उसको पढ़ाने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक विकास सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा दोस्तों। ब्रूनर का जो संरचनात्मक विकास का सिद्धांत है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्वेषण सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, मनोविकास, प्रयोगात्मक विकास, क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिएगा चेक करते हैं सही आंसर हमारा कौन सा होगा, है तो इन चारों में से ही, वो है नंबर 1, उसे अपने क्या कह सकते हैं, अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ब्रूनर का जो ज्ञानात्मक या संरचनात्मक विकास का सिद्धांत है उसे अन्वेषण सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। और इसके द्वारा जो अपने ऐसा कहते हैं, अनुभव के द्वारा जो मानसिक क्रियाएं देखिए बनती हैं उन्हीं से बुद्धि का विकास होता है, उसके लिए अहम इसको माना गया था। और इसके लिए इन्होंने जो अवस्थाएं बताई थी वो 3 थी, ये आपको याद रखना है। एक तो थी क्रियात्मक अवस्था, कौन सी अवस्था दोस्तों, क्रियात्मक अवस्था। दूसरी थी प्रतिबिंबात्मक, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और तीसरी है संकेतात्मक। ये 3 जो है विधियां देखिए बताई गई थी। क्रियात्मक में तो आप देखिए क्रिया से छूना, मुड़ना, काटना, ऐसे
प्रतिबिंबात्मक में कोई मानसिक बिंब बनाएंगे, संकेतात्मक के शब्दों का ज्ञान जो है वो यहाँ पर करना सीखता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बाल प्रसंग बोध परीक्षण यानी कि CAT की बात अपने कर रहे हैं, 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है, इसमें जो कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं वो किस पर आधारित है ये आपको बताना है। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुएं लिए गए हैं, लोगों के स्थान पर जानवर लिए हैं, पुरुष के स्थान पर महिला लिए हैं, वयस्क के स्थान पर बालक लिए हैं। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, इसमें लोगों के स्थान पर किसको लिया गया है, जानवरों को, क्योंकि बच्चों को वैसे भी जानवरों से ज्यादा जो है प्रेम होता है। CAT जो है अपना जैसे टेट था ना वैसे ही CAT भी है। तो इसका जो आविष्कार किया था वो किया था लियोपोल्ड बेलक ने, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है याद रखिएगा। इसमें जानवरों के चित्र वाले 10 कार्ड प्रयोग में लाए जाते हैं और इन्हीं कार्डों को देख करके बच्चों को कोई कहानी वगैरह लिखनी होती है, ये प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत को किसने दिया था ये आपको बताना है। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, वाइगोत्स्की है, ब्रूनर है, अल्फ्रेड बिने है या फिर गार्डनर है, कौन है दोस्तों सही आंसर हमारा बताइएगा फटाफट से। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है वो है नंबर 4, गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है यानी जिन बालकों में कोई शारीरिक मानसिक कमी है तो उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाएगा, समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा से जोड़कर या फिर समाकलन के द्वारा, कैसे करेंगे दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा वो होगा नंबर 1, समावेशित शिक्षा के द्वारा, यानी ऐसे बालक जो शारीरिक और मानसिक विकार से ग्रस्त हैं और वो अधिगम की प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं, तो ऐसे बालकों को हम क्या करेंगे, समावेशित शिक्षा प्रदान करके ही मुख्य धारा में उसको शामिल करते हैं दोस्तों। समावेशित शिक्षा, अन्य बालकों के साथ में ही उसको पढ़ाया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अपने चिंतन क्या है दोस्तों, प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रत्यक्षिक प्रक्रिया है या फिर संप्रत्यय अधिगम है, क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। देखिएगा दोस्तों चिंतन क्या है, तो चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है, तो ये रोस के द्वारा दी गई एक परिभाषा है दोस्तों। तो चिंतन क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है और चिंतन के अंदर देखिएगा प्रतीक एवं चिन्ह जो है वो वास्तविक जो हमारे अनुभव है, क्रियाएं हैं और वस्तुएं हैं उनके स्थान पर देखिए जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, यानी घटनाओं के स्थान पर अपने किसका प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है, जिसमें अचानक से समस्या का हल हमारे सामने आता है वो कौन सी है दोस्तों? संक्रियात्मक है, सूझ है, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत है या फिर अनुभव का सिद्धांत है दोस्तों, अनुबंधन का सिद्धांत है, कौन सा होगा दोस्तों, क्या होगा सही आंसर हमारा? समस्या के अचानक सामने आने पर उसका हल निकाला जाता है, तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है नंबर 2, इसे हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत। जब मतलब अपने चारों तरफ देखते हैं, ये गेस्टाल्ट सिद्धांत पर काम करता है और अचानक से किसी समस्या का हल हमारे सामने आ जाता है कितने अचानक से आता है दोस्तों। इसको प्रतिपादन करने में एक तो मैक्स वर्दीमर का नाम आता है, एक कोफका का नाम आता है और एक कोहलर का नाम आता है। अगर एक नाम आप लें तो कौन से को लेंगे, कोहलर को लेंगे, जो ऑप्शन में आए उसी प्रकार से देख लेना दोस्तों। इसके अनुसार क्या कहा गया है, भी कोई भी प्राणी किसी नई बात को सीखता है तो सूझ या अंतर्दृष्टि के कारण ही वो उसको सीखता है। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है आपको बताना है, कौन सा जो है वो शिक्षण से संबंधित नहीं है, सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों होते हैं, विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन है, क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? ये शब्द आप हमेशा ध्यान रखना, नहीं वाला नहीं पूछा जा रहा है, यानी गलत कथन कौन सा है आपको उसका चुनाव करना है।
तो दोस्तों बताइएगा फटाफट से क्या है हमारा सही आंसर। अगर आ रहा है तो फिर इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए ना। वैसे ये कोई रट्टे वाला क्वेश्चन नहीं है, आसानी से थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो निकाल लेते हैं, आंसर होता चौथा। तो शिक्षण में सुधार तो किया जा सकता है, ये परिवर्तनशील है, अनौपचारिक भी होता है, औपचारिक भी होता है, ये भी ठीक है। शिक्षण विज्ञान है, कला भी है, विज्ञान है क्योंकि इसके नियम होते हैं, कला है कर कोई नहीं सीख सकता इसलिए कला भी तो है। शिक्षण एक अनुदेशन है, अनुदेशन का मतलब होता है सूचनाएँ प्रेषित करना, सिर्फ ये नहीं आता शिक्षण के अंतर्गत, ये उससे कहीं आगे है। अगले प्रश्न को देखिएगा जो हमारा चौथा, इसका सही आंसर चेक कर लीजिएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा इसका, यानी शिक्षण क्या है, अनुदेशन है, ये हमारा सत्य नहीं है, शिक्षण अनुदेशन नहीं है, शिक्षण में अनुदेशन होता है। फर्क क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा आप टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, जहाँ द्विमुखी होती है जो शिक्षण जो प्रक्रिया है वो द्विमुखी होती है, वैसे तो त्रिमुखी होती है लेकिन उसमें स्टूडेंट और टीचर यानी आदान प्रदान दोनों होता है, कम्युनिकेशन दोनों दो तरफा होता है, इसमें कम्युनिकेशन एक तरफा ही होता है। जहाँ पर कुछ डाटा, जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं और एक जो अपना पियोन है वो आता है और कोई सूचना दे करके आपके पास में चला जाता है, वो वाली रहेगी अनुदेशन, जहाँ पर एक तरफा संवाद होता है अपने, उसको कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्यों भिन्न है दोस्तों, क्योंकि यहाँ अध्यापकों शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों के द्वारा इसको किया जाता है, शोधनकर्ताओं द्वारा ही किया जाता है, इसका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है, यह प्रमापीकृत उपकरणों पर आधारित है, यह न्यायाधीश पर आधारित होता है दोस्तों। क्या है सही आंसर मेरा, तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर एक। हमने कहा किस कारण से भिन्न है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो अध्यापकों शिक्षकों प्रबंधकों और शैक्षिक प्रबंधक जो है वो और प्रशासकों के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि मौलिक अनुसंधान तो शोधनकर्ताओं द्वारा किया जाता है, ये प्रमापीकृत उपकरणों पर, ये तो मौलिक अनुसंधान की बात है दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान जैसे स्कूल के अंदर कोई समस्या हो गई ना, तो स्कूल की समस्या के लिए ही होता है ना, कोई समस्या आ गई तो उसका एक अनुसंधान करते हैं फिर उस समस्या को हल करते हैं दोस्तों। बीसवां हमारा है अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित नियम नहीं है, कौन सा नियम इसके साथ में अटैच नहीं होता है अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित, क्या है सही आंसर हमारा, समय का सिद्धांत, तीव्रता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत या फिर प्रभाव का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित कौन सा नियम इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर क्या है चेक कर लीजिएगा, वो हमारा नंबर चार यानी प्रभाव का सिद्धांत है, ये नहीं होता। पावलोव ने देखिएगा पांच नियमों का उल्लेख किया था इसके अंदर, एक तो था समय, एक था तीव्रता, एक था एकरूपता, एक था पुनरावृत्ति और एक था हमारा व्यवधान, ये पांच उसके द्वारा दिए गए थे दोस्तों। ये पांच नियम जो हैं वो पावलोव के द्वारा दिए गए थे, क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, पावलोव का है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारा कुछ मैटर आपको मिलने वाला है रीट से संबंधित। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच।